नंबर 3 में आपको दे रखा है, क्या रहमान तिलिया या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है, वह समान तिलियों इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं दो क्रमागत तिलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। अब लिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। आपको ये सारणी पूरी करनी है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ये पता करना है कि ये प्रतिलोम समानुपात में है या इसमें सीधे समानुपात में है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, प्रतिलोम समानुपात में है। तो पहला भाग हम कैसे करेंगे, आपको ये चेक करना है कि राशियां घट रही है या बढ़ रही है। अगर एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि अपने आप कम होती है और दूसरी राशि के बढ़ने पर पहली राशि अपने आप कम होती है, इस केस में आपका कौन सा समानुपात होता है, प्रतिलोम समानुपात। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिल्लियों की संख्या बढ़ रही है, 4 से 6 बढ़ रही है, लेकिन कोण जो है वो 90 से 7 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये तो 7 के साथ बढ़ रहा है लेकिन ये कम हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तिल्लियों की संख्या बढ़ रही है परंतु तिल्लियों के बीच का कोण कम हो रहा है, इसलिए यह प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात में है। दूसरा भाग है आपके पास क्या, कि अगर तिल्लियों की संख्या 15 है तो 15 तिल्लियों के बीच में जो कोण है उसका माप क्या होगा, ये याद करना है आपको। तो यहाँ पे आपके पास जो तिल्लियों की संख्या दे रखी है उसको हमने x1, x2, x3, x4, x5 और कोण को हमने y1, y2, y3, y4, y5 के अनुसार लिखा है। ठीक है, ये हमें याद करने हैं। और सबसे पहले हम सेकंड पार्ट करेंगे अब। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तिल्लियों की संख्या जिसको आपने क्या माना है x, और इधर हम क्या लिखेंगे, कोण जिसको आपने क्या माना है y। ठीक है, तिल्लियों की संख्या पहले क्या थी, 4, और उनके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। जब तिल्लियों की संख्या 4 है तो कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अगर हम तिल्लियों की संख्या 15 कर दे, यहाँ पे तिल्लियों की संख्या 15 हो जाए, तो कोण ज्ञात करना है कि उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। ये आपके पास क्या है, x1, y1, ये आपके पास है x2, y2। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात में हमेशा क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात के अनुसार x1 y1 किसके बराबर होता है, x2 y2 के। ठीक है, तो मान रखिए x1 का मान कितना है, 4, y1 का मान 90 बराबर होगा, x2 का मान 15 और y2 हमें नहीं पता, तो हम y2 को एज इट इज रखेंगे। यहां से 15 इधर आके भाग भी हो जाएगा, 4 गुना 90 बटे 15 बराबर y2। ठीक है, तो यहां से 15 × 15 = 90 = 624। तो यहां से आपके पास y2 का मान क्या हो जाएगा, 24 डिग्री। ठीक है, जब तिल्लियों की संख्या 15 होगी तो उनके बीच का प्रत्येक कोण 24 डिग्री का होगा, ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तीसरा भाग है आपका, इसमें क्या दे रखा है, किसी क्रमागत तिल्लियों के प्रत्येक युग्म
आंसर। क्या होना चाहिए? x1 y1 बराबर होना चाहिए x2 y2 के। x1 का मान आपके पास क्या है? 4 गुना में y1 का मान 90 बराबर x2 हमें पता नहीं गुना में y2 40 डिग्री। ठीक है, यहां से 40 डिग्री इधर आएगा तो 4 गुना में 90 बटे 40 बराबर x2। ठीक है, यहां से ये कटेगा 1 10 बार, 10 से 90 9 बार, तो x2 का मान आपके पास कितना हो जाएगा? 9। लास्ट में क्या रखेंगे? कोण 40 डिग्री होने पर तिल्लियों की संख्या 9 होगी। यही आपको क्या करना था? ज्ञात करना। ठीक है, तीनों भाग को हमने ज्ञात कर लिए हैं, अब हमें सारणी के ये तीनों भाग ज्ञात कर लिए। पहला भाग है आपके पास a। ठीक है, यहाँ पे आपको तिल्लियों की संख्या पता है लेकिन आपको कोण का माप नहीं पता है जो आपको ज्ञात करना है। इधर हम लिखेंगे तिल्लियों की संख्या और इधर हम लिखेंगे कोण y में और ये क्या है x में। ठीक है, आपके पास तिल्लियों की संख्या क्या थी? 4 और कोण की संख्या डिग्री क्या थी? 90 डिग्री। ठीक है, फिर आपके पास तिल्लियों की संख्या कितनी है? 8 और कोण का माप आपको ज्ञात करना है। ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। ठीक है, आपको पहले से पता है ये किस अनुपात में है? प्रतिलोम समानुपात में। तो प्रतिलोम समानुपात के अनुसार क्या होना चाहिए? x1 y1 बराबर होना चाहिए x2 y2 के। x1 का मान कितना है? 4, y1 का 90 डिग्री, x2 का मान आपके पास 8 है, y2 हमें नहीं पता, इस 8 को इधर लेके आएंगे, 4 गुना में 90 बटे 8 बराबर y2, 4 गुना 4, 4 गुना 8 तो ये 45 बार कट जाएगा। y2 का मान आपके पास आ जाएगा कितना? 45 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है आपके पास पार्ट नंबर 2, दूसरा भाग है बी। क्या दे रखा है आपको? तिल्लियों की संख्या 10 होगी तो कोण कितने डिग्री का होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे तिल्लियों की संख्या और इधर कोण y में और ये x में। ठीक है, पहले आपके पास तिल्लियों की संख्या 4 थी, कोण 90 डिग्री था। ठीक है, अब तिल्लियों की संख्या आपके पास 10 है, कोण आपको ज्ञात करना है, ये x1 x2 y1 y2। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात के अनुसार क्या होना चाहिए? x1 y1 बराबर होना चाहिए x2 y2 के। यहाँ पे आप x1 y1 का और x2 y2 का मान रखेंगे। क्या है x1? x1 का मान आपके पास कितना है? 4 गुना में y1 का 90 डिग्री बराबर x2 का मान 10 गुना में y2। 10 को इधर लेके आओ, 4 गुना 90 बटे 10 बराबर y2। 0 से 0 कट जाएगी, 4 को 9 से इंटू करो, 36 डिग्री बराबर y2। यहां से y2 का मान आ गया 36 डिग्री, ये आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद है आपके पास तीसरा भाग c। क्या दे रखा है आपको? तिल्लियों की संख्या
अनुसार क्या होना चाहिए, एक्स वन वाई वन किसके बराबर, एक्स टू वाई टू के बराबर। मान रखो ये एक्स वन, ये एक्स टू, ये वाई वन, ये वाई टू, ठीक है। एक्स वन का मान क्या है, 4 गुना 90 डिग्री बराबर, एक्स टू का मान 12 गुना y2 एज इट इज, 12 को इधर ले आओ, 4 गुना 90 बटे 12 बराबर y2, 4 × 4 = 12, 3 × 12 = 9, 0, y2 का मान आपके पास कितना आ गया, 30 डिग्री, और ये भी आपको क्या करना था, ज्ञात करना। प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयां